नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये जानने के लिए दुनिया के कई शक्तिशाली देशों की नजर उस पर थी। लेकिन एक ऐसा देश भी था जिसने पूरी चुनावी प्रक्रिया और नतीजों पर खास तौर से निगाह रखी थी, और वह था पाकिस्तान। एग्जिट पोल के बाद पाकिस्तान के अलग अलग तपों में भारत के चुनावों की चर्चा थी और तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले ही नरेंद्र मोदी की वापसी की संभावना पर सकारात्मक रूप जाहिर किया था। प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक चौंकाने वाले बयान में नरेंद्र मोदी के फिर से पीएम बनने की हालत में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई थी। उनका मानना था कि बीजेपी मजबूत और कड़े फैसले लेने में सक्षम होगी। पाकिस्तान अभी तक कहता रहा है कि नई सरकार बनने के बाद वह भारत को नए सिरे से बातचीत के लिए आमंत्रित करेगा। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का मानना है कि नई सरकार बनते ही जितनी जल्दी संभव होगा भारत को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाएगा। कुरैशी ने कहा, क्षेत्र को शांति के लिए भारतीय आम चुनाव के बाद नई सरकार बनते ही हम उन्हें पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और सेना में एक तरह का डर भी है, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म है कि मोदी का पूरा चुनाव प्रचार अभियान बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के इर्द गिर्द केंद्रित रहा है। मोदी के सत्ता में लौटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की उम्मीदों को भी झटका लग सकता है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल में वापस लौटने के बाद ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए चुनौतियां बढ़ जाएं, और जब तक मोदी प्रधानमंत्री रहे तब तक उसे बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक के लिए खुद को तैयार करना पड़े। प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, सेनाओं के प्रमुख, सुरक्षा एजेंसी और इंटेलिजेंस के अधिकारी शामिल थे। इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा था कि भारत में चुनाव के बाद नतीजे क्या होंगे और इसका पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान पर क्या असर होगा। दरअसल पाकिस्तान इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि अगर पुलवामा जैसे हमले दोबारा हुए तो भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। पुलवामा के बाद भारत ने आतंकी कैंप को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान की सीमा के अंदर बालाकोट में अपने विमान भेजे थे और पाकिस्तान के समक्ष कई चुनौतियां पेश की थी। नरेंद्र मोदी के अगले कार्यकाल में भी भारत का यह रुख जारी रह सकता है। ऐसे वक्त में वे बातचीत की शुरुआत के लिए बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। मोदी की जीत अप्रत्याशित नहीं है, पहले भी वे मजबूत विकल्प के तौर पर मौजूद थे, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के होने से पूरे देश में मोदी को एक उम्मीदवार से बढ़कर एक हीरो बना दिया। नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की चुनौतियों में और इजाफा हो जाएगा। हालांकि इन चुनौतियों के बीच एक उम्मीद भी है कि शायद दोनों देशों के बीच बातचीत की शुरुआत हो जाए। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।